एमसीक्यू रहेगा जो कि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम जो है जो आप 2024 में दीजिएगा उसके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है आज हम लोग करेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन जो है लाया गया है, जो बोर्ड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन है, जो कई बार बोर्ड में जो है रिपीटेड हो चुके हैं, प्रीव्यू क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे। तो इसलिए जो है इस लेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हम करेंगे एमसीक्यू जीव प्रकरण एवं पोषण के। तो आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। इस क्वेश्चन को जो है हम लोग करेंगे बहुत मजे से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश, आप जान रहे होंगे बिल्कुल प्रकाश, कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके सामने मैं ऑप्शन दूंगा, आपको आंसर देना है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। पहला ऑप्शन है वसा का, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज का, तीसरा ऑप्शन सॉरी प्रोटीन का, ग्लूकोज का, उसके बाद जो है प्रकाश का, यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो वसा की होती है, प्रोटीन की होती है, या ग्लूकोज की होती है, या प्रकाश की होती है। तो इंग्लिश हिंदी मीडियम से जो भी बच्चे हैं हिंदी में देंगे आंसर, जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं इंग्लिश में आंसर देंगे। तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, आपके लिए जो है पोल में दे रहा हूँ 45 सेकंड का, पोल दे रहा हूँ आपको कितना, 45 सेकंड का आपको आंसर देना है। आपके स्क्रीन पे जो है आंसर दिख रहा होगा, आप जो है तुरंत आंसर दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी जो है प्राप्ति होती है। तो किसकी प्राप्ति होगी, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा वसा की प्राप्ति होती है, या आपकी प्रोटीन की प्राप्ति होती है, या ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, या प्रकाश संश्लेषण का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी यानी ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। चलेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने, और यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में क्या, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि पादप, ठीक है, पादप में फ्लोएम संवहन होता है, पादप में फ्लोएम संवहन होता है, किसमें, भोजन में, या CO2 में, या जल में, या अमीनो अम्ल में। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, क्या भोजन से होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, या आपके पास जल से होता है, या अमीनो अम्ल से होता है। इसका आंसर जो है आप मुझे शेयर कर सकते, नहीं दिया है इसका होगा भोजन। क्यों भोजन होगा, तो मैं आपको बता दूं कि भोजन क्यों होगा। देखिए पौधे में जो दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, पहला होता है आपका जाइलम और दूसरा होता है यहाँ पे फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम। अब जाइलम का काम क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे कि जाइलम का काम क्या होता है। तो जाइलम क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। जाइलम का काम क्या होता है, भोजन का निर्माण करना। अब फ्लोएम का क्या काम होता है, भोजन को भेजना। क्लियर, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जाइलम का काम क्या होता है, भोजन का निर्माण करना, और फ्लोएम का क्या काम होता है, भोजन को भेजना। अगर फ्लोएम जो है जाइलम जो है भोजन को बना लिया है, और भोजन को बनाने के बाद वह क्या करेगा कि किसको देगा, भोजन, या मान लीजिए कि यह जाइलम का भाग है या फ्लोएम का भाग है, तो जाइलम भोजन को क्या किया है, बनाया है। भोजन को क्या कर रहा है, जाइलम बना रहा है। अब भोजन को जैसे ही बनाएगा तो फ्लोएम को देगा। अब फ्लोएम जहां पे भोजन की कमी है उसे फ्लोएम क्या करेगा, पूरा करेगा, यानी उसे जो है फ्लोएम भेजने का काम करेगा। तो यही क्वेश्चन में जो है आपसे बोला गया था कि पादप फ्लोएम संवाहक होता है किसका, तो यहाँ है भोजन का। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए शगुन का वेलकम रहेगा हमारे क्लास में, कैसे हैं शगुन आप, सही। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे, और तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, याद रखिएगा वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने है जड़ में, आपके सामने यहाँ ऑप्शन है तना में, आपके सामने यहाँ है पत्ती पत्तों में,
या यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास फूल में, किसमें ऑप्शन जो है आपका यह सही होगा। आप जो है आंसर मुझे कमेंट में देंगे कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है किससे होती है, जड़ से होती है, वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, भाग में पूछा गया है, इस चीज को याद रखिएगा, किस भाग में जो है होता है, जड़ में होता है या तना में होता है या पत्ता में होता है या फूल में होता है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखकर आंसर देना है ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 जो है आपके सामने चलेंगे, यहाँ दिया गया है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्राकृतिक में जो है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है। आपके सामने यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, संयोजन क्रिया के द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है अपघटन के द्वारा, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। यानी कि यहाँ साफ तौर पे एक बात आपको बताई जा रही है क्या, कि ऑक्सीजन का संतुलन, ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो संयोजन क्रियाओं के फलस्वरूप, या प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप, या अपघटन के फलस्वरूप, या आपके सामने दिया गया है कोई नहीं। इसका आंसर जो है आप मुझे, इसका राइट आंसर हमारा क्या बन रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल सही है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन जो है कैसे बना होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की वजह से बना रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने यहाँ है, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे कि यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। देखिए कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, यह क्वेश्चन आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, आप 9th क्लास में जो है पढ़े होंगे कोशिका, और क्लास 10th में भी जो है इसे आप पढ़े होंगे कोशिका। तो 9th 10th से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है। ठीक है, तो यहां दिया गया है आपके सामने ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर क यानी कि ए दिया गया है अपारगमय, उसके बाद ऑप्शन बी दिया गया है पारगमय, और तीसरा दिया गया है अर्ध परागमय, और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है आप मुझे शेयर करेंगे कि अपरागमय होता है या पर परागमय होता है या अर्ध परागमय होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है आप पोल के माध्यम से दे देंगे मुझे फटाफट। राइट आंसर जो है क्या होगा, बिल्कुल ही आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्ध परागमय झिल्ली होती है। झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, तो अर्ध परागमय झिल्ली होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही आपका सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है क्वेश्चन संख्या 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस चीज को ध्यान देंगे कि श्वसन क्रिया के दौरान, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत जो है ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। यहाँ दिया गया है 20%, यहाँ दिया गया है 40%, दिया गया है 60%, उसके बाद दिया गया है 80%, कितने प्रतिशत जो है निष्कासित होती है। तो आंसर जो है आपको देना है कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। चलिए 20%, 40%, 60% या 80%। चलिए बहुत बढ़िया आंसर आया है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20%। बहुत बच्चों ने आंसर इसका सही दिया है 20%, बहुत सुंदर, कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप में निष्कासित करती है, तो 20%। शगुन का आंसर जो है बिल्कुल सही आया है, शिवम का आंसर जो है बिल्कुल सही आया है, और मणि का आंसर भी जो है सही आया है। चलिए बहुत सुंदर, बहुत गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या जो है, क्वेश्चन संख्या 7 में हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल मजे से, और क्वेश्चन संख्या 7 देखेंगे, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, यह एक शारीरिक प्रक्रिया है या एक भौतिक प्रक्रिया है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है या आपके पास यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया होती है, चलेंगे तो इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स बोल रहा हूँ, आप मुझे इसका आंसर पोल के माध्यम से देंगे, फटाफट देंगे, मजे से देंगे, अच्छे से देंगे, कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया होती है, शारीरिक,
भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक। ऑप्शन बी जो होगा आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो यह एक भौतिक प्रक्रिया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अब क्वेश्चन संख्या 8 क्या बोल रहा है, इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान से गौर से देखेंगे कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है किसमें, जड़ में, पत्तियों में, फूलों में या फलों में। तो रक्षी कोशिकाएं जो है किसमें पाई जाएगी, रक्षी कोशिकाएं आप समझते होंगे रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, तो आपके सामने चार ऑप्शन कि जड़ में पाई जाती है, दूसरा पत्तियों में पाई जाती है, तीसरा फलों में पाई जाती है, या यहाँ पे ऑप्शन फलों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है आप आंसर जो है शेयर करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर शेयर करेंगे आप फटाफट कि किसमें पाई जाती है। चलिए शगुन का आंसर जो है सही आया है, शगुन का आंसर सही आया है। चलिए और किसी का आंसर आएगा सही, चलिए फटाफट जवाब देंगे किसमें पाई जाती है। चलिए हाँ चलिए बहुत बढ़िया, मणि का आंसर जो है बिल्कुल सही आया है कि सर पत्तियों में पाई जाती है। चलिए शिवम का भी आंसर आ गया सही, बिल्कुल शिवम का भी आंसर आ गया कि पत्तियों में पाई जाती है। चलिए रीना का भी आंसर आ गया है, चलिए रीना वेलकम है हमारे क्लास में आपका, रीना वेलकम है। कैसे हैं आप रीना, अच्छे हैं, मस्त हैं, चलिए वेलकम रहेगा हमारे क्लास में रीना आपका, भारत का सबसे बेहतरीन ऐप अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन संख्या 9 क्या बोल रहा है, इस चीज को ध्यान देंगे। क्वेश्चन संख्या 9 कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं क्या, तीन विषम या चार विषम या पांच विषम या दो विषम। कि मानव के हृदय में कितने विषम पाए जाते हैं, यह क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि मानव हृदय में विषम कितने पाए जाते हैं, तीन पाए जाते हैं, चार पाए जाते हैं, पांच पाए जाते हैं या दो पाए जाते हैं। इसका आंसर जो है जल्दी से आप शेयर करेंगे फटाफट अंदाजों में शेयर करेंगे कितने पाए जाते हैं। चलेंगे चलिए फटाफट आंसर देंगे कितने पाए जाते हैं, आपके सामने जो है पोल लग गया। चलिए बहुत बढ़िया, शिवम का आंसर आ गया है, शिवम का आंसर आया है बहुत बढ़िया। पहले शगुन का आंसर आया है, उसके बाद शिवम का आंसर आया है, उसके बाद रीना का आंसर आया है, और किसी का आंसर आएगा जी कितने विषम होते हैं। चलिए जी मनी का भी आंसर आया है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपका जवाब आया है, चार लोगों का बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया कि मनुष्य के हृदय में चार विषम पाए जाते हैं, चार कोष्ठक होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, चार कोष्ठक होते हैं, पहला कोष्ठक यहाँ, दूसरा कोष्ठक यहाँ, तीसरा कोष्ठक यहाँ, चौथा कोष्ठक यहाँ। दया निलय बाया निलय, दया अलिंद बाया अलिंद, इस चीज को याद रखिएगा, चार कोष्ठक। ओके और कोई क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के कितने चेंबर होते हैं, तो चार चेंबर होते हैं। ठीक है चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे यहाँ पे कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है, मानव रक्त में, मानव के जो रक्त हैं उनमें उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है कितनी, 100 mg की, दूसरा है 20 mg की, तीसरा है 30 mg की, चौथा है 40 mg की, कितनी mg होती है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हैं। अरे बेटा कैसे होगा, आप आंसर दीजिए कि कितनी mg होती है, 100 mg या आपके पास 20 mg या 30 mg या 40 mg। चलेंगे वह कितनी होती है, 20 mg होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। ओके हाँ चलिए आगे देखेंगे, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन संख्या 11 आंसर दीजिएगा फटाफट अंदाजों में कि वह कौन सा प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है, वह कौन सा प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया गया है श्वसन, दूसरा दिया गया है पोषण, तीसरा दिया गया है उत्सर्जन, चौथा दिया है उत्तेजनशीलता। तो इसका आंसर जो है क्या होगा आप शेयर करेंगे जल्दी से फटाफट शेयर करेंगे, इसका आंसर जो है क्या होगा कि वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा
शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा का है उत्पादन पूछ रहा है, उत्सर्जन नहीं पूछ रहा है भाई। ऊर्जा उत्सर्जन में अंतर होता है, ऊर्जा और उत्सर्जन में अंतर होता है। अरे आपको ऊर्जा कौन प्राप्त करता है? आपके शरीर में ऊर्जा कौन देता है? आपके शरीर में ऊर्जा कौन देता है? तो आपके शरीर में ऊर्जा जो है श्वसन देता है। आपके शरीर में ऊर्जा कौन देता है? तो श्वसन देता है, ना कि उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है कि हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन होता है। लेकिन यहाँ ऊर्जा की बात हो रही है, ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? तो श्वसन कहलाता है। ठीक है, आपसे सब्जेक्ट क्या पूछता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में? तो आपसे आर्ट्स पूछता है। आर्ट्स से क्वेश्चन होते हैं एकदम 101% होते हैं। क्या साइंस से होते हैं? एकदम 101% होते हैं। अब बोलेगा सर मैथ्स होते हैं क्या? एकदम 100% मैथ भी होंगे, उसके साथ रीजनिंग भी होगी, उसके साथ हिंदी भी आपको पढ़ना होगा, उसके साथ जो है आपको इंग्लिश भी पढ़ना होगा। अब बोलिए, अब बोलिए कि मैं आर्ट्स वाली हूँ सर, मुझे ये नहीं पढ़ना, इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, रीजनिंग नहीं आती है, मैथ्स नहीं आती है, तो क्या आर्ट से आप कितना नंबर ला सकते हैं? छोटा एग्जाम दीजिए, मान लीजिए कि DL DELED का भी एग्जाम अगर आप देना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, तो इतना चीज तो जानना पड़ेगा। SST आपको पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद बाल मनोविज्ञान पढ़ना होगा। कहाँ जाइएगा, BED करिएगा, वही दशा है आपके सामने। अब IPS की बात करने जाते हैं, तो IPS के लिए तो भी इंट्रेंस एग्जाम देने जाइएगा तो ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। कहाँ भाग के जाइएगा आप, साइंस आर्ट्स कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि हमारा बेस ही है, हमारा बेस हम लोग पढ़ रहे हैं, हम बेस पढ़ रहे हैं, ना कि हम कोई तैयारी कर रहे हैं, हम बेस पढ़ रहे हैं। बेस पढ़ना आपके लिए जरूरी होता है। तो बेस जानिए, बेस को पकड़ के, पकड़ आपकी बेस में बनी रहेगी तो उस शिखर की मुकाम जो है आपकी हासिल हो जाएगी। तो बेस को पकड़िए। अगर मेरा घर हम बना रहे हैं, घर का नींव ही कमजोर पड़ जाए तो क्या यह बिल्डिंग ऊपर की टिकेगी? नहीं, ध्वस्त हो जाएगी, गिर जाएगी। तो बेस को मजबूत करो, फिर ऑटोमेटिक जो है मंजिल आपकी बनती हुई चली जाएगी। ओके, हाँ ठीक है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन प्रागमय, अपरागमय, अपरामय और ई। ये चार ऑप्शन जो है आपके सामने, ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था क्या होगा, तो चलेंगे यहाँ पे आंसर आप फटाक से कर दे देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ठीक है, कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? पहला ऑप्शन दिया गया है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वाष्प उत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास श्वसन, चौथा ऑप्शन है चलन। तो कौन सी क्रिया जो है जीवों के लिए अनिवार्य होती है? आपको आंसर जो है फटाफट, बिल्कुल आंसर सही है श्वसन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। बहुत बढ़िया, आपने जवाब दिया बहुत सुंदर। चलिए, कि कौन सी क्रिया जीवों के लिए अनिवार्य होती है? तो श्वसन अनिवार्य होती है। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। लाखड़ी वक्त में रीना ने आंसर दिया, चलिए बहुत बढ़िया, कि सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 10 ग्राम या 20 g या 30 ग्राम या 15 ग्राम, कितनी होती है हीमोग्लोबिन की मात्रा? मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? आप फटाफट जो है आंसर, शगुन का आंसर जो है आ गया है बिल्कुल सही, शगुन का आंसर आया है। चलिए, शिवम का आंसर आ गया है जी, बहुत बढ़िया। चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए कि क्या होगा आपका आंसर जी, कि सामान्य मानव 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है कितनी होती है? तो 15 ग्राम होती है। इस चीज को आप जानते होंगे, 15 ग्राम। चलिए बहुत सुंदर, आपने आंसर दिया, बहुत बढ़िया लगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा क्वेश्चन संख्या 15। क्वेश्चन संख्या 15 क्या है कि मानव हृदय में निलय के संकुचन स्थिति को क्या कहा जाता है?
मानव के हृदय में निलय की संकुचन स्थिति को क्या कहते हैं? शिथिलन कहते हैं, या सिटॉल कहते हैं, या डायस्टॉल कहते हैं, या धड़कन कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम? कि मानव हृदय के निलय में संकुचन स्थिति को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर जो है शेयर करेंगे फटाफट, क्या कहते हैं? बी, ऑप्शन नंबर बी, सिस्टॉल। जियो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर आया आप सभी का, बहुत बढ़िया, सिस्टॉल। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, कि मनुष्य मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख जोड़े में लार ग्रंथियां जो है कितनी पाई जाती है? आपको आंसर देना है, एक जोड़ा पाया जाता है, या दो जोड़ा, या तीन जोड़ा, या चार जोड़ा। आपको आंसर देना है कि क्या होगा, कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े जो है लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो आपको आंसर शेयर करना है जल्दी से फटाफट, देंगे आंसर। बहुत सुंदर जवाब आया आपका, बहुत बढ़िया, चलेंगे जल्दी से बताएंगे। चलिए भाई, किसी ने बता दिया है कि सर एक जोड़ा होती है। अरे यार, एक जोड़े कैसे होगी? मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? तो एक जोड़ा तो बिल्कुल ही नहीं होता है, दो जोड़ा बिल्कुल ही नहीं होता है, तीन जोड़ा होता है, तो यस तीन जोड़ा होता है, चार जोड़ा नहीं होता है। एकदम आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि तीन जोड़ा होता है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो तीन जोड़ा पाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 नंबर, ध्यान देंगे कि रक्त में हल्के पीले रंग का चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है? रक्त में हल्के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को जो है क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपके पास प्लाज्मा, दूसरा ऑप्शन है सीरम, तीसरा ऑप्शन है लिम्फ, चौथा ऑप्शन है लसिका। तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को जो है क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है, सीरम कहा जाता है, लिम्फ कहा जाता है, या लसिका कहा जाता है। सगुन का आंसर आया है, बहुत सुंदर, चलेंगे। चलिए शिवम का भी आंसर आया है, बहुत बढ़िया, चलिए। और का आंसर आया है, रीना आंसर नहीं दिया आपने, मनी ने आपने आंसर नहीं दिया। चलिए भाई जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। चलिए भाई बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत सुंदर, बहुत गुड गुड जी, प्लाज्मा जी, बहुत अच्छा आंसर है आपका, प्लाज्मा। यानी कि हल्के हल्के पीले रंग की चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा कहा जाता है। आपने आंसर जो है बहुत बढ़िया दिया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की रुख करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अमाशय के अग्र भाग को कहते हैं, अमाशय के अग्र भाग को जो है हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे? इस चीज को ध्यान देंगे, कहेंगे पाइलोरिक, या फुड्रिक, या क्राडियल, या एपी गोल्टिक। क्या कहते हैं इसे, अमाशय के अग्र भाग को जो है हम क्या कहते हैं? तो आप आंसर देंगे फटाफट, कार्डियक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी शिवम आंसर होगा आपका, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहेगा, ग्रसनी कहलाएगा, या ग्रासनली कहलाएगा, या ग्रहणी कहलाएगा, या आपके पास जो है अग्नाशय कहलाएगा। तो मुख गुहा जो होगा, मुख गुहा हमारा होगा, उसके पिछले भाग को जो है हम क्या कहेंगे, उसके मुख पिछले भाग को जो है हम क्या कहेंगे, आपको आंसर देना है। चलेंगे ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी, या अग्नाशय। चलिए भाई इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रासनी, बहुत बढ़िया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि मेमेलिया वर्ग के जंतुओं को हृदय में कितने विष्म होते हैं? वाह गुड, बहुत बढ़िया, तो मुझे मेरे पास भी भेज दिया करो, मैं भी देख लिया करूंगा। मेमेलिया जो है वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने विषम जो है होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कितने होते हैं? यहाँ पे दिया गया है एक, दो, तीन, या चार। तो मैमेलिया वर्ग के जंतुओं में हृदय के कितने विषम होते हैं? आप कोई भी आंसर लगा सकते हो, चार, चार, या डी। यानी कि मैमेलिया वर्ग के जंतुओं में जो है हृदय के कितने विषम होते हैं? तो चार विषम होते हैं, ओके, इस चीज को याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है?
सिक्किम है या एपिडिक्स है, या जेजुनम है या कोलन है, कौन से भाग जो है आहार नाल की रचना का अवशोषित अंग होता है। इसको आंसर जो है आपको देना है, कोल लग गया आपका फटाफट। बिल्कुल आपका सही आंसर है कोलन। कोलन कि मनुष्य के आहार नाल में कौन सी रचना अवशेषी अंग होती है, तो यह होती है आपकी कोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। ओके चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे कि चाइल का अवशोषण होता है, चाइल का क्या अवशोषण जो है होता है, ठीक है इसको ध्यान से देखेंगे, इलियम में, जेजुलम में, कोलन में या रिएक्टम में, किसमें जो है यह मौजूद होता है कि चाइल का अवशोषण होता है इलियम में, जेजुलम में, कोलन में या रेक्टम में। इसका आंसर जो है आपको दे जो है चाइल अवशोषण होता है इलियम में, किसमें होता है इलियम में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है आपके सामने कि पेरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। पेरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को जो है हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्वपोषण, दूसरा ऑप्शन है मृतजीवी, तीसरा ऑप्शन है परजीवी, चौथा ऑप्शन है प्राणिशम। इसका आंसर जो है आपको देना है। ऑप्शन इसके कैसे होंगे, पेरामीशियम अमीबा की तरह होता है, अमीबा की तरह जो है क्या होता है आपका पेरामीशियम होता है, पेरामीशियम होता है। अमीबा का आकार ही क्या है, पेरामीशियम जैसा होता है। इसके आकार में परिवर्तन होते हैं, इसके आकार में परिवर्तन नहीं होते हैं। तो यह क्या होता है, तो यह आपका प्राणिशम होता है, यह दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए जो है क्या होते हैं आश्रित होते हैं, यह मृत जीवी नहीं होंगे, स्वपोषण नहीं होंगे, परजीवी नहीं होंगे। ओके तो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही होगा। ओके चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की सामान्य स्थिति का रक्तचाप कितना होता है, 80/120, 120/80, 160/100 और 100/160। तो एक स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ व्यक्ति रहेगा, बिल्कुल स्वस्थ है, उसके समान स्थिति रक्तचाप कितना होता है, आपको आंसर देना है। एक सामान्य रक्तचाप यानी बीपी ब्लड प्रेशर कितना होता है, सामान्य अगर मनुष्य है, स्वस्थ मनुष्य है, उसकी बीपी जो है कितनी होती है, रक्तचाप जो है कितना होता है। अरे आपके सामने दिया गया है ऑप्शन नंबर बी भाई, 120 और कौन का 80। दिया गया है, चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है, मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग जो है नहीं है, तो आपके सामने आंसर है यकृत, उसके बाद जो है वृक्क, उसके बाद ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी जो है अग्नाशय। तो मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग जो है नहीं है, यकृत, वृक्क, फेफड़ा या अग्नाशय। इसका आंसर जो है फटाफट, यकृत जो है यह एक उत्सर्जी अंग है, ठीक है, वृक्क भी आपका उत्सर्जी अंग है और फेफड़ा भी जो है आपका उत्सर्जी अंग है, लेकिन अग्नाशय जो है आपका उत्सर्जी अंग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट ही आंसर होगा। ओके चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि निम्नलिखित में किसमें विशेष उत्सर्जित अंग नहीं होते हैं, विशेष उत्सर्जित अंग जो है नहीं होते हैं, तो क्या एक कीट में होते हैं, या मानव में, या अमीबा में, या पक्षी में। तो जी अमीबा में बिल्कुल उत्सर्जी अंग जो है नहीं होता है। जी शिवम आपने बहुत बढ़िया आंसर दिया, रीना ने भी बहुत बढ़िया आंसर दिया, चलिए गुड, बहुत सुंदर। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन संख्या जो है, चलेंगे क्वेश्चन संख्या 27 पे कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है हम इसे कहेंगे, इसका आंसर जो है आपको देना है। तो क्या होगा यहाँ, ऑप्शन नंबर ए जड़, या ऑप्शन नंबर बी पत्ती, या ऑप्शन नंबर सी एस्टोमेटा, या ऑप्शन नंबर बी जो है आपका होगा यहाँ पे हरित लवक। तो निम्नलिखित में से किस प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, किसे प्रकाश संश्लेषी,
निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? जड़ को, जड़ को प्रकाश संश्लेषी अंग कहेंगे? यस नो, जड़ को तो कहेंगे बिल्कुल नहीं कहेंगे, या कहेंगे कहेंगे या ना कहेंगे, ये बताइए। जड़ को कहेंगे यस नो, या पत्ती को यस नो, या स्टोमेटा को यस नो, हरित लवक को यस नो? जी एकदम बिल्कुल सही, पत्ती को। प्रकाश संश्लेषण अंग जो है क्या होती है? आपकी पत्ती ही होती है। ओके चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ध्यान देंगे, संख्या 28 जो है आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली जुड़ी होती है? तो ठीक है, बताइएगा इसका आंसर मुझे कि निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रासनी ग्रास नली जो है जुड़ी हुई रहती है। तो ऑप्शन ए सुनेंगे निगल द्वार, ऑप्शन बी सुनेंगे कंठ द्वार, ऑप्शन सी जो है मल द्वार, ऑप्शन डी जो है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है आप मुझे दे सकते हैं कि क्या होगा। चलेंगे फटाफट जो है आप मुझे, तो चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? निगल द्वार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं जो है किसमें पाई जाती है? जड़ में, पत्तियों में, फूलों में या फलों में? तो रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? आपको जो है आंसर देना है फटाफट कि रक्षी कोशिकाएं जो है किसमें पाई जाएगी। रक्षी कोशिकाएं जड़ में पाई जाती है? बिल्कुल ही ना। अरे पत्तियों में पाई जाती है? तो शायद मैं सोच सकता हूं कि पत्तियों में पाई जाती है, तो क्या पत्ती में मैं दे दूं? सोचता हूं हाँ या ना। फलों में दे दूं? अरे मन में आ रहा दे दूं, फिर मन कर रहा है ना रहने दो। फूलों में दे दूं? मुझे लग रहा है इसी में दे दूं, फिर मेरा मन कर रहा है रहने दो। अरे तो रीना ने सोचा कि चलो भाई रक्षी कोशिकाएं सर बार बार वो जिक्र कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं पत्ती में लगा दूं। जी बिल्कुल ही सही आपका आंसर है पत्ती। बहुत ही बढ़िया आंसर रहा है आपका पत्ती में, बहुत सुंदर पत्ती में। कि रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो पत्तियों में पाई जाती है। चलेंगे जो है 30 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि एक सामान्य मनुष्य का रक्त में 100 ml यूरिया की मात्रा कितनी होती है? अब देखिए यहाँ दिया गया है 2 mg, 3 mg, 10 mg और यहाँ पे 30 mg। आप आंसर जो है अपने मन से लगा सकते हैं, मुझे दीजिएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप जल्दी से आंसर देंगे। यूरिया जो है कितनी पाई जाएगी? यूरिया पाई जाती है। चलिए आंसर जो है आपने आंसर दे दिया है कि आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई डी पे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 30 mg। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, जब आपने बोल दिया तो आपको आंसर जरूर मुझे देना है कि एक सामान्य मनुष्य में 100 ml यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो 100 mg होती है। चलिए भाई बहुत अच्छा, सभी को हमारी ओर से थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अभी जस्ट हम आपसे मिले।